जय हिंद बच्चों, आज मैं आ गया हूँ आपके लिए 10th क्लास की एक बिल्कुल नए चैप्टर की वीडियो लेके। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आई डू एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी होगी। चलिए सबसे पहले इधर मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जो इस चैप्टर का नाम है, ठीक है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, केमिकल वर्ड, देखिए केमिकल वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। हमारे बेसिकली साइंस के अंदर दो तरीके के रिएक्शन हम लोग मेनली मेजरली पढ़ते हैं। आप लोग 10th क्लास के लिए पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा डीप में जाना सही नहीं है, ठीक है, वो आप लोग 11th में पढ़ेंगे। दो तरह की रिएक्शन होती है हमारी, एक होती है केमिकल रिएक्शन और एक होती है फिजिकल रिएक्शन। तो इन ये दोनों के अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है, दोनों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, दोनों में क्या चेंज होते हैं वो भी आपको बताता हूँ, वो भी आपको सिंड्रम बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें से आप सिर्फ इसका एक टाइप पढ़ रहे हो, कौन सा वाला, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, एंड इक्वेशन, ठीक है। तो ये तो आपको समझ आएगा कि आपने इसका केमिकल वाला पार्ट पढ़ना है, आपने फिजिकल वाला पार्ट इसका यहाँ अभी इतना नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो बात करते हैं वर्ड रिएक्शन, रिएक्शन वर्ड क्या होता है, ठीक है। देखो आप बहुत सारे नेट में सर्च करेंगे, बहुत सारे बुक्स पढ़ेंगे, ठीक है। रिएक्शन वर्ड का बड़ा सिंपल मतलब होता है चेंज, बहुत सिंपल मतलब होता है रिएक्शन का चेंज, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन गैस आई, ऑक्सीजन गैस आई, दोनों मिले, उनकी स्टेट में चेंज आया और क्या बन गया, वाटर बन गया, ये एक रिएक्शन है। तो रिएक्शन वर्ड का जो मेन जो इसका मतलब होता है, मेन जो रिएक्शन का वर्ड का मतलब होता है वो होता है चेंज, क्या आना, चेंज आना, ठीक है। एंड इक्वेशन, इक्वेशन वर्ड आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा इक्वेशन वर्ड होता क्या है। देखिए जैसे मान लो हमारे आसपास कोई भी रिएक्शन हुई, ठीक है, उस रिएक्शन को हमको एक रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में दिखाना है। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर ना पानी बनता है, ठीक है। अब आप किल होगा नहीं कि भैया हाइड्रोजन और वाटर मिलके क्या बन गया, क्या बन गया, वाटर बन गया, ऐसा होगा नहीं। आप उसको उसके सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, H2+O2 H2, फिर आप बैलेंस करोगे, ये करोगे, वो करोगे, बड़ी बन कहानी है, ठीक है। तो आप ये पूरी कार्रवाई करोगे, ठीक है। तो जो इस तरह की आप एक सिमेट्रिकल फॉर्म या मैथमेटिकल फॉर्म में आप किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं इक्वेशन, ठीक है। तो ये चैप्टर इसी चीज़ से डील करता है, केमिकल, ठीक है, बट समझा दिया मैंने आपको जो पढ़ने वाले मेनली जो, ठीक है। और इन दोनों में आपको फर्क समझा, देखिए केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन में फर्क क्या है, ठीक है। रिएक्शन आपको समझ आएगा, रिएक्शन मतलब चेंज। देखिए अगर यहाँ आपको केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन में फर्क समझ आ गया तब आपको पता लगेगा कि हमें जो चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन या पढ़ क्यों रहे हैं, क्या पढ़ने वाले। देखिए बिल्कुल समझ रहे, मान लीजिए एक बॉक्स है मेरे पास, ठीक है, इसके अंदर एक कोई छोटा मॉलिक्यूलर एक्स, कोई छोटा मॉलिक्यूलर वाई, कोई भी रिएक्शन हुई, ठीक है, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ केमिकल है फिजिकल है, ये मॉलिक्यूल्स इसके अंदर, तो किस सिस्टम के अंदर कुछ रिएक्शन हुई, कुछ प्रोसेस हुआ, हमने हीट करा, कुछ भी किया, हथौड़ा मारा, कुछ भी किया, ये एक्स वाई से ना ये बन गया जेड और ये बन गया ए। आप देखिए ध्यान से, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल की कंपोजिशन ही चेंज हो गई, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल की कंपोजिशन ही चेंज हो गई। भाई खिड़की बंद कर दे, कर रहा तो पीछे से कर ले, अगर गर्मी लगे तो रहने दे वरना कर ले, ठीक है। तो क्या हुआ, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल की कंपोजिशन चेंज हो गई, ठीक है। अब आप इससे वापस इसमें नहीं जा सकते, आपके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के चेंजेस को अपन लोग बोलते हैं, इन तरह के रिएक्शन को बोलते हैं अपन लोग केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंजेस, जिसमें पूरे के पूरे जो मॉलिक्यूल होते हैं वही के वही चेंज होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल की, फिजिकल में क्या होता है समझिए, ठीक है। जैसे मान लो ये एक्स था और ये वाई था, ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझो, कोई नहीं पढ़ाएगा 10th में, ये सब वही मानना स्टार्ट कर देंगे सीधा, आ जाओ भाई रिएक्शन के डेफिनेशन और आ जाओ भाई इक्वेशन के डेफिनेशन, ठीक है। और बुक्स के अंदर भी तुम्हें ढूंढोगे तो बहुत कम बुक्स के अंदर मिलेगा, ठीक है, डाटा, ठीक है, देखो ध्यान से मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, मिलने में सब मिल ढूंढने से भगवान मिल जाता है, ये क्या है, ठीक है। अब समझते हैं फिजिकल प्रोसेस क्या होता है, उसमें मॉलिक्यूल की कंपोजिशन चेंज नहीं होती, उसमें सिर्फ उनकी जो पोजिशन है वो ऑल्टर्ड होती है। कैसे, जैसे मान लो ये सिस्टम था, यहाँ पर वाई पहले आ गया, एक्स बाद में आ गया, तो अब वाई पहले आ गया और एक्स कहाँ चले गया, बाद में, मॉलिक्यूल्स वही रहे बस उनकी पोजीशन आगे पीछे हो गई, इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज और फिजिकल रिएक्शन, ठीक है। और ये जनरली ये रिवर्सिबल होते हैं, मतलब आप इसमें ना वापस जा सकते हो, जैसे आपके पास आइस थी, आपने से मेल्ट करी, दोबारा उल्टा प्रोसेस करोगे दोबारा से फ्रीज हो जाएगी, वहीं के वहीं पहुंच जाओगे। तो ये एक फिजिकल चेंज, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फिजिकल और केमिकल में मोटा मोटा आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो अब जो हमें चैप्टर समझना है वो ये समझना है, ठीक है, बोलो यार आपको केमिकल रिएक्शन में समझ आ गया, बोलो यार, ठीक है, चलिए। घर से निकलते कुछ दूर चलते रास्ते में था। देखिए अब बात करते हैं हम केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ये भी आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देखो ये तो मैं आपको बता ही दिया कि
एक केमिकल इक्वेशन इज नथिंग बट जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल इक्वेशन, हमें क्या पढ़नी है, केमिकल इक्वेशन, अ केमिकल इक्वेशन इज नथिंग बट जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, एक दिखाने का तरीका, एक दिखावा है केमिकल इक्वेशन किसका, केमिकल रिएक्शन का। अब इसके पास तीन चीजें होती हैं, हेलो, तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले होती है रिएक्टेंट, बोलो यार, तीन चीजें। फिर क्या होता है, प्रोडक्ट। आप बोलोगे तीन का ही दो ही तो है, अरे ये भी तो है, इसको बोलते हैं प्रोसेस। क्या बोलते हैं भाई प्रोसेस, अरे हीटिंग कर रहे हो, कूलिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो भी तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है और कितनी जल्दी बनेगा। ठीक है, समझ रहे हो। चलिए, वाटर था आपके पास, ठीक है, आपने हीट किया तो वो स्टीम बन जाएगा, ठीक है, भाप बन जाएगी। अगर आपने उसको फ्रीज किया तो आइस बन जाएगी। तो प्रोसेस पे भी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है, कि रिएक्शन का प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर जब उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में, उसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। पहला होता है रिएक्टेंट, ठीक है, उसके बाद आता है प्रोसेस, दुर्घटना घटी और क्या बना, प्रोडक्ट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मानने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखो जैसे मान लो आयरन था, ठीक है, आयरन था, उसको खूब ज़्यादा कास्टिंग वास्टिंग मेल्टिंग वेल्टिंग करी और बड़े सा डोर बना दिया। क्या बना दिया, डोर बना दिया। तो हमने लिया आयरन, हमने उसको क्या किया, थोका वोका जुगाड़ वुगाड़ किया, मेल्टिंग वेल्टिंग करी, प्रोसेस लगाया, फिर क्या मिला हमें, एक प्रोडक्ट। बोलो यार, तो इसका मतलब सबसे पहली चीज रिएक्टेंट क्या होते हैं, ऑल द सब्सटेंस और ऑल द मटेरियल्स ऑल द एलिमेंट ऑल द सब्सटेंस विच टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन, जो एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट। आई रिपीट, बोलो यार, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, बोलो यार। ठीक है, एक बार इसको ध्यान से देखो, मेमोरी हो जाएगा, सिर्फ सोचते रहो, ठीक है, देखते रहो और समझते रहो ध्यान से। ठीक है, तो रिएक्टेंट क्या होते हैं, ठीक है, वो सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट क्या होता है, वो सब्सटेंस जो रिएक्टेंट पे प्रोसेस लगने के बाद हमें मिलते हैं उनको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, और प्रोसेस आप लोग जानते हो कि हमने उस पर क्या दुर्घटना लगाई। तो किसी भी रिएक्टेंट के अंदर, मतलब इक्वेशन के अंदर, तीन चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब समझते हैं अगली चीज़, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2+O2, ये किस्म होती है, गैस। ये भी क्या होती है, गैस, और क्या बनता है, वाटर। ये क्या होता है, लिक्विड या फिर एक्वस। ठीक है, देखो ये दोनों रिएक्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर कोई ना कोई प्रोसेस हुआ होगा। ठीक है, इसका उल्टा करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है, हमने ये प्रोसेस किया। ठीक है, अब देखो, अब क्या हुआ, खाली एग्जाम्पल लिखना ही बहुत नहीं होता, एग्जाम में आपको ना इसको थोड़ा सा अपने थोड़ा सा सही तरीके से लिखना भी होता है, लपेट के। फिर आप लिख देना, बिल्कुल इससे हो जाएगा, इन द अबव रिएक्शन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म वाटर। इस तरह से हमें सिंपल रिएक्शन लिख सकते हैं, बहुत बेसिक क्लास चल रही है, बिल्कुल जीरो लेवल के भी। ठीक है, तो मैंने आपको रिएक्शन समझा दिया, इक्वेशन समझा दिया, इक्वेशन का क्या क्या पार्ट होते हैं मैंने आपको वो भी समझा दिया। ठीक है, बोलो यार। ठीक है बेटा, तो बोलो यार, बोलते रहो। ठीक है, घर से निकलते कुछ दूर जाते। अब देखो, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है भाई साहब, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें पता लगना चाहिए कि रिएक्शन हुई या नहीं हुई, हमें पता लगना चाहिए कि रिएक्शन हुई या नहीं हुई। अब ध्यान रखो, जब भी कोई रिएक्शन होती है वो हमेशा बताती है मैं हुई या नहीं। कैसे बताती है, उसके पास पांच कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, उनसे हमको पता लगता है रिएक्शन हुई है या नहीं। तो कोई ऐसा बोलेगा भाई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन आर बेसिकली द फैक्टर्स विच हेल्प अस टू नो वेदर द रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट। मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन वो जुगाड़ है बेसिकली, समझ लीजिए। ठीक है, जिससे हमको पता लगता है रिएक्शन हुई है या नहीं। हमारे पास कुल मिला के पांच कैरेक्टर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। सबसे पहला, घर से निकलते कुछ दूर चलते रास्ते में उसका घर, चेंज ऑफ स्टेट। सेकंड, चेंज ऑफ कलर। थर्ड, चेंज ऑफ टेम्परेचर। फोर्थ, एवोल्यूशन ऑफ गैस। फिफ्थ, फॉर्मेशन ऑफ
अब देखिए फटाफट पर ओल्ड सिंगम फिर एक एग्जांपल लूंगा। देखिए पहले बात करते थे पहले चेंज ऑफ स्टेट की। देखो यार एक बात बताओ, देखो सिंपल एग्जांपल लेते हैं। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया था, लिया था ठीक है यार। मैंने ये मैंने हाइड्रोजन ली और मैंने इसमें ऑक्सीजन ऐड करी, दोनों ही किसमें गैस में। जैसे ही कुछ लिक्विड फॉर्म में बना, वाटर बना, तो इसकी स्टेट देखो ये गैस है, इसकी स्टेट क्या है? लिक्विड है। आप मुझे बताओ स्टेट चेंज हुई नहीं हुई? हुई ना। तो जैसे ही स्टेट चेंज हुई वैसे मैं बोलूँगा हाँ भाई रिएक्शन हो गई, ठीक है। बड़े सिंपल सी क्यों आप बताता हूँ, ठीक है। आपने एक वाटर के ग्लास में आपने आइस डाली, ठीक है। अब आप आइस को देख रहे हो, आप देख रहे हो, आपको कब पता लगेगा कि जो आइस है ये पूरी तरह से मेल्ट हो गई है, मतलब रिएक्शन पूरी हो चुकी है? आपको कब पता लगेगा? आप देखोगे अरे अभी तो आइस दिख रही है, सॉलिड दिख रही है। जैसे ही उस आइस ने अपनी पूरी स्टेट चेंज करी, मतलब वो पूरी की पूरी आइस किसमें कन्वर्ट हो गई? लिक्विड में। आप बोलोगे हाँ भाई रिएक्शन हो गई, ये पूरी की पूरी आइस क्या हो चुकी है? मेल्ट हो चुकी है। तो यानी कि ये एक ऐसा फैक्टर है जिससे आप जज कर सकते हो कि हाँ यार रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। बोलो यार सही बात है कि नहीं बात है? तो चेंज ऑफ स्टेट भी एक फैक्टर है, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिससे आप जज कर सकते हो कि रिएक्शन हुई है या नहीं। बोलते रहो यार, सो मत, ठीक है। जो सो गया वो खो गया, ठीक है। चलो अब अगर मैं आपके ऊपर अगली चीज़ की बात करूँ, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, सिंपल सा बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें चेंज ऑफ स्टेट, समझ आ गया आपको, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे है? इसको लिखना बड़ा जरूरी है, ठीक है। देखो एक बात बता देता हूँ, जितने भी लोग टेंथ के वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ जो कि लॉकडाउन टाइम तक एक्टिव रहेगा। उसका नंबर है 8439660757। जितने भी लोग देख रहे हैं और लॉकडाउन के बाद ट्यूशन लेने में इंटरेस्टेड हैं तो वो क्या करेंगे, मुझे इस नंबर पर 8439660 पे हाय अपना नाम, जो भी नाम है, जैसे मेरा नाम तो राहुल है, हाय राहुल टेंथ ना, तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आप लोग ग्रुप बना दूंगा। तो लॉकडाउन टाइम तक वो एक्टिव रहेगा, उसमें डाउट मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलो जो इंटरेस्ट नहीं वो भी कर देना यार, पढ़ा दूंगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब देखो आपको समझ आया उसको लिखना कैसे है? इसको आप खुद जब एग्जाम्पल आप पट्टा मारोगे आप ढंग से लिखोगे। सम रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज ऑफ स्टेट, फॉर एग्जाम्पल इन द अबव रिएक्शन हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर विच इज इन द लिक्विड स्टेट। दस दिस शोज चेंज ऑफ स्टेट, शो करा नहीं कर रहा, बोलो यार कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं अगले के ऊपर, चेंज ऑफ कलर, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो ऐसा बहुत बार होता है कि कभी कभी देखो आप जैसे घर में हम कभी चाय बनाते हैं, ठीक है, तो जैसे हम लोग उसमें पत्ती डालते हैं, ठीक है, टी लीव्स डालते हैं, तो टी लीव्स डालते हैं तो एकदम कलर चेंज आता है, तो हम बोलते हैं हाँ यार एकदम असर कर दिया, एकदम कलर चेंज आता है उसका, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है, कलर चेंज से हमको पता लगता है रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। जैसे मान लो हम वो कई कोई गस्ता घर में या कुछ भी कभी रोस्टर पीते हैं, ठीक है, तो ऊपर से रोस्टर डाला तो पहले मान लो गिलास है, ठीक है, कंच का, उसमें हमने पानी डाला और रोस्टर डाला, तो पहले वो पूरी तरह से घुलता नहीं है, ठीक है। तो आपको सिर्फ ऊपर वाटर दिखेगा, नीचे रोस्टर रहेगा, आप क्या करेंगे उसे हिलाएंगे, फिर धीरे धीरे उसका पूरा कलर आ जाएगा। तो जैसे ही पूरा का पूरा कलर चेंज होगा, आप बोलोगे हाँ भाई रिएक्शन हो चुकी है, मतलब आपको पूरा कलर दिख जाएगा ना, आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि हाँ यार चेंज हो रहा है। तो चेंज ऑफ कलर भी एक बहुत तगड़ा कैरेक्टरिस्टिक है जिसका पता लगता है रिएक्शन हुई है या नहीं। लेकिन आप एग्जाम्पल तो लिखोगे नहीं, ऑब्जर्व वाला एग्जाम्पल, वैसे वाला एग्जाम्पल, ठीक है। उसके लिए हमारे पास पूरे जो केमिकल टेस्ट वो होते हैं एग्जाम्पल, वो होते हैं समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन होता है और ये जिंक होता है सॉलिड स्टेट रिएक्शन होती है। अब ये रिएक्शन आपको क्यों, ये रिएक्शन पॉसिबल है क्यों, कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इसके अलावा आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो अभी कैसे समझो कि जो जिंक होता है ना ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये इसको बोलता है चल निकल ये बंदी मेरी है, चल निकल ये बंदी मेरी है, तो ये इसको यहाँ से निकाल देता है और इसकी जगह पे खुद लग जाता है। क्या बच गया यहाँ पर? बोलो यार ये बच गया कॉपर। अब जब जब केमिकल लैब में रिएक्शन हुई होगी तो ऐसा करके मिक्सचर में ऐसे मिक्सचर होगा कॉपर सल्फेट का, उसमें जिंक डाला होगा ऐसे स्टिर किया, स्टिर किया, स्टिर किया, तो कैसे पता लगा? अब एक कलर से पता लगा भाई, इसका जो कलर था ना ये था ब्लू और ये पता कैसा हो गया, ये हो गया कलरलेस। तो धीरे 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 देख के पता लगा हाँ यार रिएक्शन तो हो गई। बोलो यार समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट होता है आपका चेंज ऑफ टेम्परेचर। देखो ठीक है, चेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत सही जुगाड़ है, इसको मैं आपको बिल्कुल सिंपल एग्जांपल देकर समझाऊंगा, ठीक है। मान लो कोई बंदा देख नहीं सकता, ठीक है, कोई बंदा देख नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर उसको मैंने गिलास दिया, मैंने फिर उसको वाटर दिया, मैंने फिर उसको आइस क्यूब दिया, मैंने बोला भाई आइस क्यूब इसमें डाल, ठीक है, वो देख नहीं सकता, तो उसे कब पता लगेगा
आइस मेल्ट हो गई। बोलो, देखो जब आइस मेल्ट होगी तो पानी ठंडा हो जाएगा। बिल्कुल देसी एग्जांपल ले रहा हूँ, केमिकल एग्जांपल अलग से होते हैं। जब आइस मेल्ट हो जाएगी उससे जो टम्बलर है, जो भी ग्लास है, उसको हाथों कैसा फील होगा? भाई लगेगा ठंडा हो गया। तो उसने कैसे जज किया? उसने जो ग्लास है उसके टेम्परेचर को फील किया। ठीक है, टेम्परेचर का मतलब होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। जो कोल्डनेस की बॉडी की वो बढ़ गई, तो उससे उसने जज किया, हाँ यार टेम्परेचर कम हो गया, इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि आइस मेल्ट हो चुकी है। तो बिना देखे भी उसने जज कर लिया कि ये आइस जो है वो मेल्ट हुई है या नहीं, रिएक्शन हुई है या नहीं। इसीलिए चेंज ऑफ टेम्परेचर पे बहुत तगड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, चूना बनता था, अब तो पेंट्स के डब्बे, अब तो पेंटों के डब्बे आ गए हैं, एशियन पेंट, ये पेंट का टैक्स डुबाया, फटफट मार दिया। आज से बहुत साल पहले ऐसे नहीं होता था, उसमें रहते पूरे जो होता है चूना होता है, चूने के पत्थर आते थे, ठीक है, स्टोन पत्थर थे, उनको एक टम्बलर में डाल के फटम फटम फोड़ के पानी से मिला के फिर घोलते थे। तो जब उसे टम्बलर में डाल के चूने को फोड़ते थे तो उसमें से ऐसे हीट निकलती, हाई लेटरथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे ही आप उस टम्बलर को बाहर से छूओगे ना, वो एकदम गर्म हो जाता था। ठीक है, तो वो भी एक चेंज ऑफ टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। समझाता हूँ कैसे, देखो उसकी एग्जाम्पल ये है, CaO+, जैसे उसमें वाटर डालेंगे ना, वाटर, ठीक है, चलो ढंग से लिखता हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा ये दो कर दिए ना, बेटा दो। ठीक है, और भी इनके बहुत एग्जाम्पल हैं, वो सब मैं नोट्स में निकाल दूँगा, टेंशन मत लो, मैं बस आपको बेसिक भी समझा रहा हूँ। ठीक है, अब आराम से एनर्जेटिक बनना शुरू करना, इन दोनों को दोबारा लिखूँगा, एवोल्यूशन ऑफ गैस और फॉर्मेशन ऑफ गैस। देखो अब बात करते हैं चेंज ऑफ टेम्परेचर की। CaO, इसे बोलते हैं क्विक लाइम, इसे कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। प्लस इसमें जैसे आप वाटर ऐड करोगे, जैसे चूने के पत्थर लिए रखे, थोड़ा उसका पानी डाल दिया, जैसे पानी डाला ये घुलेगा, जैसे घुलेगा तो कंपाउंड बनता है CaOH होल, इसको बोलते हैं स्लेग लाइन। क्या बोलते हैं इसको? स्लेग लाइन। और साथ में क्या निकलती है? हीट। और यही हीट क्या करती है? टेम्परेचर को बढ़ा देती है, और जो डब्बा है वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ठीक है, अब अगर डब्बा गर्म हो जाएगा तो आप बोलोगे हाँ भाई ये चेंज ऑफ टेंशन, तो उसको फिर से आपको लिखने का तरीका वही है। ठीक है, तो उसको ऐसा लिखोगे कि क्विक लाइम दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म स्लेग लाइम, एंड दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड हेंस इट इंडिकेट द चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ऐसे पिछली रिएक्शन थी जो मैंने आपको लिखाई थी, उसको भी लिखने का बिल्कुल सिंपल तरीका था। ठीक है, यहाँ पर भूल गया मैं, यहाँ पर देख लो एक बार, जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर, उसने खिसका है ना उसको, ये मेरी बंदी है, जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट टू फॉर्म जिंक सल्फेट, ठीक है, विच इज कलरलेस। ठीक है, दस दस कलर ऑफ सोल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू, इसका कलर क्या था? ब्लू, ब्लू टू कलरलेस, तो दिस शोज द चेंज इन कलर। इस तरह से लिखना है, फिर से बोल देता हूँ, जिंक विच इज हाईली रिएक्टिव डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट टू फॉर्म जिंक सल्फेट, ठीक है, विच इज कलरलेस, ठीक है, दस द कलर चेंज फ्रॉम ब्लू टू कलरलेस, इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, टाइम में कोई नोट्स मिल जाएगी। ठीक है, बोल आराम से मिले, चेंज ऑफ टेम्परेचर समझ आया। ठीक है, अब बात करते हैं अगला, एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस, देखो देखो एक सिंपल एग्जांपल दिस करो, मस्त आप घर में बैठे हुए थे, पीछे पड़ोसी छोटा सा एक खाली जगह थी, पड़ोसी रोज आके वहाँ क्या डाल रहा है? कचरा डाल रहा है। ठीक है, वेजिटेबल्स वेस्ट, फ्रूट वेस्ट, कुछ भी वो वेस्ट डाल रहा है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, एक दिन दो दिन जैसे जैसे रिएक्शन होगी तो जो वेस्ट होगा सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, रॉटनिंग स्मेल आएगी, उसमें से गैसेस निकलेंगी बहुत सारी। ठीक है, मीथेन निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, बहुत सारी गैसेस निकलती है। ठीक है, वो गैसेस निकलेंगी उसमें से, बदबू आई, आई बदबू। तो जैसे ही वो स्मेल आई, भाई क्यों आई वो स्मेल आपको? क्योंकि वहाँ से गैस अब तक आई, तो आपको पता लगा यार कुछ तो हो रहा है आसपास में, मतलब आप जज करोगे हाँ भाई रिएक्शन हो रही है कहीं ना कहीं, तो रिएक्शन कहीं ना कहीं तो कुछ हो रहा है। ठीक है, तो आपने किस चीज़ से जज किया? आपने जज किया एवोल्यूशन ऑफ गैस से। अगर उससे गैस ही नहीं निकलती तो क्या आप तक पहुँचती? तो क्या आप जज करते? तो वो गैस क्यों निकली? क्योंकि वहाँ कोई रिएक्शन हुई तभी तो गैस निकली। तो एवोल्यूशन ऑफ गैस भी एक बहुत ही सॉलिड क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसका एक ले लेते हैं। ठीक है, CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे ही हम इसको हीट करते हैं, इसे क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। अरे बहुत सारे एग्जाम्पल, मतलब बस एक एक सिंपल सिंपल एग्जाम्पल बताऊँ तो क्या बनेगा? CaO+CO2। तो जो ये CO2 गैस है, जो ये CO2 गैस है, ये हमको बोलती है अरे हाँ भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, इसके सिसलिंग करके साउंड होती है, तो हमको पता लगता है हाँ भाई रिएक्शन हो गई है। ऐसे और भी बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, जैसे मान लो कोई भी मैंने HCl लिया,
साथ में मैंने एक मेटल लगा दिया कोई भी Na, तो क्या बनेगा इसमें, एक सॉल्ट बनेगा NaCl प्लस H2, तो यहाँ पर H2 गैस निकलेगी। अब क्या होता है, हर गैस की ना अपनी कैरेक्टरिस्टिक साउंड होती है, जैसे CO2 है इसकी सिसलिंग साउंड होगी, H2 है इसकी पॉपिंग साउंड होगी, तो हर गैस की क्या होती है अपनी अपनी साउंड होती है। ठीक है, मैं बहुत बेसिक वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा डीप पढ़ाऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, चलो धीरे धीरे बनाऊंगा इसके बाद आगे, ठीक है, जो कि जब क्लास होगी तो बताऊंगा। ठीक है, तो इसको बस देखना है, सोडियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड अलॉन्ग विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉपिंग साउंड, दस दिस शोज एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इससे हमको पता लगता है ये एवोल्यूशन ऑफ गैस है। सेम तरीके से लिख सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड गिव्स क्विक लाइम, अभी बताया थोड़ी देर पहले इसका नाम क्या है, क्विक लाइम अलॉन्ग विद एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बोलो यार, बोलते रहा करो। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट 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 नोट कर लो इसको। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, देखो कुछ तो रचाते रास्ते। चलो लास्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ, लास्ट टॉपिक है भाई आज का ये, फॉर्मेशन ऑफ PrePrecipitate, देखते हैं क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। देखो पहले बात समझते हैं कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। देखो प्रेसिपिटेट की स्पेशल डेफिनेशन है, मान लो डब्बा है, ठीक है, आपने दो एक्वस सॉल्यूशन मिक्स किए, आपने दो लिक्विड डाले या दो एक्वस सॉल्यूशन डाले, दोनों एक्वस जब मिक्स हुए तो हुआ क्या, उस डब्बे के अंदर एक तो बन गया लिक्विड और एक कुछ सॉलिड बन गया, मतलब इन दो लिक्विड को मिक्स किया, लिक्विड को मिक्स करना, पता नहीं क्या हुआ, एक लिक्विड बच गया सिर्फ उन दोनों में से मिक्स होके और एक सॉलिड बन गया, और जो सॉलिड है ये दोबारा इसमें मिक्स नहीं हो रहा है, दोबारा डिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो इस सॉलिड को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। बोलो यार, व्हेन टू एक्वस सॉल्यूशन आर मिक्स टुगेदर एंड इट फॉर्म्स अ इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस, देन दैट पर्टिकुलर इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस इज नोन एज प्रेसिपिटेट, तो उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट। इसको दोबारा डिफाइन करेंगे प्रेसिपिटेट रिएक्शन के अंदर भी, बट यहाँ समझाना जरूरी था आपको, समझा प्रेसिपिटेट क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल जैसे घर में बनता ना, वो क्या बनाते हैं, घी बनाते हैं, ठीक है, कुमला डालते हैं, पानी डालते हैं, हिलाते हिलाते मक्खन बनता जाता है, सॉलिड निकलता है, मक्खन बनता था, प्रेसिपिटेट उस टाइप से रिएक्शन होते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको इसका बड़ा सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश करो। देखो इसको बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड, KI। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं यार ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं, अरे इन फॉर्मूलों को बनने के लिए आपको ना कुछ कुछ वैलेंसीज याद करनी पड़ेंगी, जैसे 1 से लेकर 20 है ये तो पक्का याद करना पड़ेगा, 1 से लेकर 20 के साथ साथ आपको कुछ सॉल्ट की पूरी पूरी लिस्ट बनाऊंगा, जब मैं अगली वीडियो में आऊंगा तो मैं जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं उनकी पूरी लिस्ट बनाऊंगा, जैसे नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी होती है, ठीक है, अमोनिया की वैलेंसी कितनी होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट पूरे पूरे कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी होती है, तो बहुत ईजी तरीके से नाइट्रेट की वैलेंसी पता है, नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है और हाइड्रोजन की वैलेंसी भी कितनी होती है, 1 होती है, तो कोई आपसे बोलेगा नाइट्रिक एसिड का फॉर्मला बनाओ, एकदम बन जाएगा, ये इधर जाएगा इधर जाएगा, फॉर्मला क्या बन गया, HNO3। जैसे अब बोलो, जैसे कोई बच्चे बोलेंगे भैया हमें क्या सपने आ रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मला ये हो, सपने नहीं आ रहे, आने लग जाएंगे धीरे धीरे, कैसे मैं समझाता हूँ। देखो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, 20 तक याद करना पड़ेगा, और सॉल्ट्स की मैं याद कराऊंगा कुछ कुछ, और जो कार्बोनेट होता है ना इसकी वैलेंसी भी कितनी होती है, 2 होती है, तो सिंपल में फैक्टर में कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो कितना जाएगा ये CaCO3। तो इस तरह से फॉर्मूले बनते हैं बहुत सारे, जबरदस्त है, पूरी पूरी लिस्ट है, करवा दूंगा, चिल मारो। ठीक है, तो हुआ क्या, इसकी रिएक्शन कराते हैं अपन लोग लेड नाइट्रेट से, PbNO3 whole twice। ठीक है, नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है, लेड की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए यहाँ पर 2 चलेगा। ठीक है, सर फॉर्मला बन गया, इसकी 1 होती है, इसकी 1 होती है, इसलिए फॉर्मला क्या है। ठीक है, जैसे ही रिएक्शन होगी होगा क्या, बेसिकली ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, इसमें ये इसकी बंदी ले जाएगा और ये इसकी बंदी ले जाएगा। ठीक है, तो जब ये इसकी बंदी के पास जाएगा तो क्या बनेगा, पी बी की वैलेंसी 2 है, आई की वैलेंसी 1 है, पी बी की 2, तो 2 यहाँ जाएगी, PbI2 प्लस NO3 की 1 है और K की भी क्या है, 1 है, तो KNO3 बन गया। ठीक है, अब इसमें है क्या, इसमें जो KNO3 है ना, पोटेशियम नाइट्रेट, ये तो एक्वस सॉल्यूशन है, लेकिन ये ना एक सॉलिड सब्सटेंस है। ठीक है, और इसका ना कलर आप लैब में देख भी सकते हो। ठीक है, इसका कलर जो होता है वो एक येल्लो PPT होती है, कैसी PPT होती है, बोलो यार, येल्लो PPT होती है, तो ये एक येल्लो प्रेसिपिटेट होता है, आपको समझ आया, बोलो यार, आपको अब आपको लिखना क्या है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, एक प्रेसिपिटेट बना, एक सॉलिड बना, देखो कंडीशन देख रहे हो आप, ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है, एक एक्वस में क्या बन गया, सॉलिड,
एक्वस एक्वस लिक्विड हुआ एक्वस की बात है, एक्वस एक्वस क्या बन गया, एक्वस प्लस सॉलिड, वही चीज फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये प्रेसिपिटेट है। आपको लिखना कैसा है, सम रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर एग्जांपल पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद लेड नाइट्रेट टू फॉर्म अ येलो पीपीटी ऑफ, फिर से बोलते हैं, पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद लेड नाइट्रेट टू फॉर्म अ येलो पीपीटी ऑफ लेड आयोडाइड along with formation of potassium nitrate। बोलो यार, तो आई डू होप एंड आई डू एक्सपेक्ट कि आप लोगों को यहाँ तक पूरी वीडियो समझ आई होगी, ठीक है। अब पढ़ लेने से देख क्या रहे हो, ठीक है, तब तक के लिए।